मैंने चार कोशिश किया, फोर टाइम्स आई ट्राइड बट नहीं कर पाया, मैं फेल हो गया। बार बार ड्रोन क्रैश कर रहा था, ये बार थोड़ा अलग ही क्रैश हो गया और जब नीचे गिरा ऊपर से। अरे गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग ए गुड मॉर्निंग, ये उठ रहे हो? ए उठो, ठंडी तो है भाई बहुत। ओ भाई, अरे बाहर बहुत धूप हो गया। क्या लाइटिंग है यहाँ पे। अरे हवा तो चले गई ना, वाओ भाई बहुत हवा चल रहा है। ये एक्चुअली पूरा जो ये सिटी दिख रहा है ये पूरा बोमडिला है और यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड है। 620 ग्रीन वैली था, ग्रीन व्यू, ग्रीन व्यू ऐसा कुछ रहेगा। तो इसका भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे नाम, किसी को चाहिए होगा तो आ जाएगा। बाकी तो हम लोगों ने मतलब रात में वो कोई तो ऊपर करे हो कि हम लोग रूम ढूंढ रहे थे बहुत टाइम के बाद। 20-25 होटल पे फोन करने के बाद एक होटल पे बोला कि हाँ नहीं तो अदरवाइज जो होटल आपको दिख रहे सारे ऑलमोस्ट बुक है, तो बेटर है आप लोग अगर यहाँ पे आते हो तो बुक करके आओ, नहीं तो हम लोग इधर रास्ते में रुक के वो सब ढूंढना पड़ेगा। अगर आपके पास टाइम है तो कर सकते हो। तो यही तक है, फिर फ्रेश व्रेश होते हैं, गाड़ी गियर वियर लगाते हैं, फिर निकलते हैं। और क्या क्या शागने कैसा लग रहा है? बहुत मस्त जगह है। गुड मॉर्निंग, गाड़ी अपनी रेडी हो गया, कोल्ड स्टार्ट भी डन। क्या बोलते तुषार भाई, ऑल डन सब सेट? धीरंग में ना, ग्रीन व्यू होटल से निकल के छोटे छोटे विलेज के अंदर से हम लोग जा रहे थे धीरंग के रोड तक। और मतलब रोड और सीनरिक व्यू इतना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत है कि थोड़ा सा जाके अपने को रुकने को मन कर रहा था। तो हम लोग रुक नहीं पाएंगे क्योंकि अपना डिस्टेंस भी ज़्यादा कवर करना है, तवांग तक जाना है ऐसा हम लोगों का प्लान है। बट पता नहीं रोड में क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब हाईवे में अब जो सोच के चलते हो जो ट्रिप में, वो हमेशा एग्जैक्ट वो प्लान के हिसाब से नहीं होता। थोड़ा सा भी चीज़ आपको 19-20 हो जाता है तो हम लोग के साथ भी हो सकता है। तो अभी तक वेल एंड गुड, सब कुछ सही है। हम लोग जा रहे हैं तवांग की दिशा में और सबसे पहले हम लोग तवांग से पहले यहाँ पे धीरंग से लेफ्ट में एक रोड जाता है जो मंडला टॉप तक जाता है। तवांग से जाने से पहले एक पॉइंट देखेंगे मंडला टॉप, तो हम लोग उसी दिशा में जा रहे हैं। थोड़ा सा चिल कर रहे हैं अभी हम लोग, एक बहुत ज़्यादा मस्त एक पॉइंट मिला है। सो भूख भी लग रहा है, ब्रेकफास्ट तो किया है नहीं। और तो यहाँ से आगे निकलेंगे तवांग की तरफ, आज तो पहुँचने हैं जैसे भी हो। तो ये प्लान है क्योंकि इसके बाद अपने को मेचू का भी जाना है ज़ीरो होकर तो है। और व्यू कुछ ऐसा है, पूरा पहाड़ और पूरा रिवर का साउंड आ रहा है, पूरा साउंड आ रहा है। मस्त मस्त ऑसम ऑसम जगह है, बहुत बहुत खूबसूरत जगह है। लव यू अरुणाचल।
ये लेफ्ट साइड में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है यहाँ पे, तो यहाँ पे रुके अभी ब्रेकफास्ट के लिए, यहाँ से ब्रेकफास्ट करते हैं। और क्या मस्त जगह है, है अपना छोटा सा रेस्टोरेंट हाईवे साइड में, तो ये उनका रेस्टोरेंट है, तो ये लेफ्ट साइड में यहाँ पे खाना बनता है। और अभी थुप्पा ऑर्डर किया है, सब लोग थुप्पा खाएंगे बैठ के। हाँ तो हम लोग धीरांग पहुँच गए, वहाँ से ब्रेकफास्ट के बाद फिर हम लोग ये जो सीधा रोड जाता है ये जाता है तवांग की तरफ, और ये जो लेफ्ट हम लोगों ने लिया है ये जाता है सीधा मंडला टॉप। और यहाँ के गांव के बच्चे लोग अपने को चीयर सब करते हैं, और खूबसूरत खूबी बहुत ही खूबसूरत रोड आप लोग दिख पा रहे हो। इतना खूबसूरत रोड से हम लोग जा रहे थे मंडला टॉप की तरफ, और मंडला टॉप धीरांग से ऑलमोस्ट 31 किलोमीटर्स है। तो ये टाइम है ऑलमोस्ट 1 hour 10 minutes ऐसा कुछ लगता है टाइम धीरांग से मंडला टॉप जाने के लिए। और रोड धीरे धीरे मतलब बहुत नैरो होता जा रहा था धीरे धीरे, और कुछ टाइम चलने के बाद 15-20 किलोमीटर जाने के बाद हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सी चीज़ देखने को, आप लेफ्ट साइड में अगर देख रहे होंगे वो पेड़ जो पड़ा हुआ है वो सब आधा जला हुआ था या फिर कटा हुआ था ऐसा कुछ। तो मतलब सब कुछ सही था, बट सडनली हम लोगों को मतलब मुझे उतना पॉजिटिव वाइब्स नहीं आ रहा था ये मतलब ट्रीज़ कटा हुआ और जला हुआ देखने के बाद। अब लेफ्ट साइड में देख सकते हो ऑलमोस्ट सारे ट्रीज़ क्या पता नहीं क्या हुआ था यहाँ पे जो कट हो गया था। तो ये एक चीज़ था, फटूर जाने के बाद एक छोटा सा विलेज जैसा आया, फिर ये जंक्शन जैसा था, फिर वहाँ से हम लोग सीधा 2-3 किलोमीटर के बाद मंडला टॉप। तो आ गए हम लोग मंडला टॉप, लैंडस्केप तो बहुत खूबसूरत है, आप लोगों ने देख ही लिया गोप्रो में, तो सबको बोल दो आ जाओ अरुणाचल और विजिट करो, बहुत खूबसूरत प्लेस है क्या। और कितने हो गए, मिलियन रह गए यहाँ पे पियर फ्लैग, पता नहीं यहाँ पे एक चीज़ नजर को आया कि ये सब पियर जो है ना काट के जला दिया गया है, पता नहीं क्या है ये, बट लैंडस्केप इज सो ब्यूटीफुल। मैं इंजॉय करो आप लोग ड्रोन शॉट। तो मैंने बहुत ज़्यादा कोशिश की है ड्रोन उड़ाने का यहाँ पे, बट पता नहीं थोड़े टाइम पहले आते वक्त आपको बोल रहा था यहाँ पे थोड़ा सा वाइब्स मुझे थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा था, थोड़ा सा अलग फील हो रहा था और समझ में नहीं आ रहा था बार बार मुझे, मतलब पता नहीं थोड़ा सा अजीब सा लग रहा था। ड्रोन उड़ाने का बहुत कोशिश किया मैंने लेकिन ड्रोन बार बार क्रैश कर रहा था, तो 4 times मेरा ड्रोन क्रैश हो गया वहाँ पे, बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। 4 times एक ही जगह पे 4 times क्रैश हो गया सब, मैंने मतलब बहुत ज़्यादा कोशिश किया था ड्रोन उड़ाने का बट समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, बार बार आगे पीछे हो रहा था, फिर लेफ्ट राइट हो रहा था, फिर गिर गया ड्रोन ऊपर से 2-3 times फटका गिरा ज़मीन पर। उसके बाद मैंने फिर मैंने कोशिश किया ड्रोन उड़ाने का, फिर देख रहा था कैमरा थोड़ा सा वाइब्रेशन हो रहा था, समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था मेरे साथ या ड्रोन के साथ। मैंने 4 times 4 times बट नहीं कर पाया मैं, फेल हो गया, बार बार ड्रोन क्रैश कर रहा था, ये बार थोड़ा अलग ही क्रैश हो गया। और जब नीचे गिरा ऊपर से उसके बाद डायरेक्ट मेरा ब्लेड एंड ऑल जो भी था सब कुछ मेरा टूट गया, मैंने बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा था यहाँ पे। अच्छा हुआ कुछ हुआ नहीं, ये मेरा दूसरा जो कैमरा था उससे मैंने सिनेमेटिक शॉट लिया, तो अभी आप लोग वो एंजॉय करो ठीक है। चलो बाय बाय।